सर जैसे कि हमको पता है आपका नया मूवी आने वाली है फंसते फंसाते, उसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब कैसा महसूस हो रहा है ये सब रिस्पांस देखते? हमारा पोस्टर भी आ चुका है, 28 मई को पोस्टर आया था, 29 को ट्रेलर आया है। रेस्पॉन्स अभी लिमिटेड है, लेकिन जितना भी है वो ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो मार्केटिंग किया है वो ट्रेड के परस्पेक्टिव से किया है, और आफ्टर द पोस्टर एंड ट्रेलर रिलीज सम ऑफ द टेरिटरीज आर सोल्ड, और इट इज़ गुड थिंग दैट आवर फिल्म इज गेटिंग रिलीज ऑल ओवर इंडिया थ्रू वीनस ओनली, और हमारी फिल्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और 8 टेरिटरीज आउट ऑफ 14 टेरिटरीज लॉक हो चुकी हैं, और इवन ओवरसीज में भी हमारी अमेरिका और कनाडा लॉक हो गया आज ही, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी जो है वो मुझे लगता है कि कल तक वो भी लॉक हो जाना चाहिए। तो एज फार एज द ट्रेड इज कंसर्न, बिजनेस इज कंसर्न, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर शोइंग इंटरेस्ट, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो अभी हमको इस फिल्म को ऑडियंस के लिए और भी जरा मार्केटिंग के थ्रू लेकर जाना है। जैसे कि हमने देखा ट्रेलर में हमें रोमांस दिख रहा है, कॉमेडी दिख रही है, फैमिली है, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि मतलब ट्रेलर से ही लोगों को ये सब पता चल रहा है, फिल्म में लोगों को क्या देखने मिलेगा? आपने हमारा पोस्टर देखा है, आपने हमारा ट्रेलर देखा है, और एज फार एज यू मीडिया पीपल आर कंसर्न, जो हमने अपना प्रेस रिलीज भेजा है, तो हमने अपनी स्टोरी को एक लिमिटेड ही रिवील किया है, तो मैं उस स्टोरी को और ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज देर आर 3 मेजर ट्विस्ट एंड टर्न इन द फिल्म, उसमें से शायद ट्रेलर में हमने आधा ही यूज़ किया है, तो ये बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि एक रोमांटिक कॉमेडी है, और ये रोमांटिक कॉमेडी एक फैमिली बैकग्राउंड पर बनी है। फंसते फंसाते इज ऑल अबाउट FF, फन एंड फैमिली। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। छुपते छुपाते तो सुने थे मनोज जी, ये फंसते फंसाते, मनोज जी नहीं, मेरा नाम अमित अमित जी सॉरी अमित जी, वही छुपते छुपाते तो सुने थे, ये फंसते फंसाते क्या है, कैसे फंसते हैं, क्या किस में फंसते हैं, और थोड़ी सी उस पर जानकारी। देखिए जैसा आपने बोला छुपते छुपाते, वो भी टाइटल हो सकता है फिल्म का, राइट। फंसते फंसाते में जब लोग फंस जाते हैं और उस फंसने से बाहर निकलने के लिए और फंस जाते हैं, तो इसलिए इसे हमने इसमें इस फिल्म का टाइटल फंसते फंसाते रखा, क्योंकि हमारे जो प्रोटोगनिस्ट हैं 3, आकाश, अनिशा और देव, मैं आपको छोटी सी वन लाइन में स्टोरी भी बता देता हूँ कि आकाश एक लड़की के साथ लिविंग में रहता है जो उसकी फैमिली को पता नहीं है, और सडनली उसकी फैमिली उसे बोलती है कि यू हैव टू मैरी फॉर सम अर्जेंट रीजंस, और उसको समझ में नहीं आता क्या करे। अब उसको भी लग रहा है कि उस शादी उसको करनी ही करनी है, तो वो सोचता है कि किसी अनजान लड़की से शादी करने से बेटर है कि एटलीस्ट मैं ऐसी लड़की के साथ शादी कर लूँ जिसे मैं एटलीस्ट कम से कम जानता तो हूँ। तो वो जिस लड़की के साथ लिविंग में रह रहा होता है वो उसको प्रपोज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेट पर लेकर जाता है, बट वो लड़की बहुत ही मॉडर्न है, NRI है, लंदन से आई हुई है, शी इज़ ए वेरी फ्री स्पिरिटेड गर्ल। तो बोलती है यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड बी टॉप ऑफ द मून, कि तुम तो एक ऐसी लड़की के साथ हो जिसे कोई जिसके साथ रहने में कोई कंपल्शन भी नहीं है, और वो बोलती है कि मतलब मुझे तो भी दुनिया घूमनी है, करियर बनाना है, वगैरह वगैरह, और वो लड़की मतलब वो प्रपोजल की नौबत ही नहीं आने देती है। अब इस लड़के को समझ में नहीं आता कि लाइफ में क्या करे, उधर फैमिली को भी संभालना है, उनकी भी बात रखनी है, ये लड़की जिसके साथ वो शायद लिविंग में रहते रहते थोड़ा सा प्यार में भी फॉलो प्यार भी करने लगा है, तो उसको समझ में नहीं आता। वो अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करता है जिसका नाम है देव, और वो देव आता है, और फिर ये किस तरीके से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकलने में और फंस जाते हैं, तो इसीलिए इसका टाइटल फंसते फंसाते। शूट की अगर बात करें तो कैसे और कहाँ कहाँ पे हुआ था? देखिए ये फिल्म जो अपने आप में सेट है ना, जब आप फिल्म देखेंगे एज ए व्यूअर और एज ए मीडिया पर्सन, तो ये फिल्म नोएडा और गाजियाबाद में सेट है, इसकी उत्तर प्रदेश की बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड शायद मैं इसलिए देना चाहता था क्योंकि मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो एज ए फर्स्ट फिल्म आई ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं मतलब करेक्टर्स में उनकी कास्ट वगैरह के साथ उस तरीके से उनको ऐसे ही परिवेश में दूँ जो मुझे कम्फर्टेबल, ठीक है। लेकिन लॉजिस्टिक्स रीजंस की वजह से हमने इस फिल्म को पूना में शूट किया है, लेकिन हमने लोकेशंस, रोड्स वगैरह इस तरीके से मैनेज किए हैं कि आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको गाजियाबाद और नोएडा ही लगेगा, इट इज लाइक दैट। स्टार कास्ट की अगर बात करें तो जब मैंने फिल्म ये लिखी थी तो मैंने इस पर्सपेक्टिव से लिखी थी कि मुझको फिल्म फ्रेश कास्ट के साथ बनानी है, इसलिए नहीं कि मतलब वैसे तो हर कोई शायद कास्ट के साथ ही फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन वो कैश 22 सिचुएशन होती है, आप किसी प्रोड्यूसर को अप्रोच करते हैं तो वो बोलता है कि कास्ट कौन सी है, कास्ट एस्टेब्लिश एक्टर्स के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं प्रोड्यूसर कौन सा है, तो इस चक्कर में मुझे लगता था कि पता नहीं भाई किस तरीके से होगा। तो मेरी जब अप्रोच थी तो मैंने अपने क्यूरेटर के साथ जब ये फिल्म लिखी तो हमारा थॉट ये था कि हम एक फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं,
और वो ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में रह सकते हैं और हम लोग कम से कम बना लें। और आज हम उस सिचुएशन पे भी आ गए कि हमने फिल्म बना भी ली है और अभी वीनस जैसी कंपनी फिल्म को रिलीज भी करने जा रही है। तो वो एक इंटेंशनल कॉल था कि हमको ये फिल्म एक रिलेटिवली फ्रेश कास्ट के साथ बनानी है, ऐसे एक्टर्स के साथ बनानी है जो वो करेक्टर्स लगे। तो जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो विक्की सदाना है, उनके साथ भी हमारा ब्रीफ बहुत क्लियर था कि चाहे ये मेन कास्ट है सपोर्टिंग कास्ट है वो हमको ऐसी चाहिए थी जो हमारे करेक्टर लगे। होपफुली जब आप ट्रेलर देख रहे होंगे तो आपको शायद फील आ रहा होगा कि वो करेक्टर्स लगते हैं जो वो एक्चुअल है। इट इज़ लाइक दैट। म्यूजिक की बात करें आमिर जी, तो म्यूजिक थोड़ा सा काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे म्यूजिक अबाउट द फिल्म? ये जो फिल्म है वो एक रोमांटिक कॉमेडी है, जो एक फैमिली बैकग्राउंड पर एक रोमांटिक कॉमेडी हमने बनाई है। म्यूजिक हमने कोई इंटेंशनल डालने की कोशिश नहीं करी थी। हम जब अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो उसमें कुछ ऑटोमेटिक ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पर हमें लगा कि वो सिचुएशन हमें गाने के माध्यम से बतानी चाहिए। ठीक है, तो हमारी फिल्म को जब आप देखेंगे या ऑडियंस देखेगी तो कोई फोर्स गाना नहीं लगेगा उसके अंदर, वो एक गाना है, नेचुरल पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है। ठीक है, तो हमारी फिल्म में तीन गाने हैं, एक रोमांटिक नंबर है, एक सैड सॉन्ग है और एक पैपी नंबर है, पार्टी नंबर। जो हमारा पैपी नंबर है वो हमारी फिल्म के एंड टाइटल्स में जाता है, जो कल की भविष्यवाणी ड्रामेबाजी सारी। और ये जो गाने की जो बोल है ना, वही हमारी पूरी फिल्म की एक तरीके से थीम को भी बता देता है। इट इज़ लाइक दैट। तो हमारी फिल्म में तीन ही गाने हैं और जो सिचुएशन के हिसाब से। किरदारों का परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो कितना प्रभावित किया, नए कलाकार होने के बावजूद भी काफ़ी मैचवर्ड लग रहे वो पर्दे पर, स्क्रीन पर। हमने शूटिंग पे जाने से पहले अपने जो रिलेटिवली नए किरदार लिए उनके साथ हमने एक महीने की वर्कशॉप रखी थी, और जो हमारे सारे एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स जो भी हैं, जो थोड़े से जाने हुए भी कुछ किरदार हैं, उनके साथ हमने चार दिन की वर्कशॉप रखी थी। तो उस एक महीने की वर्कशॉप में और उन चार दिनों की वर्कशॉप में ना, एक तो एक बहुत ही कोलोबरेटिव एटमोसफियर बन गया सारे टीम मेम्बर्स के बीच में, और वो एक काफ़ी कुछ हम लोग मेहनत करके ऑलरेडी गए थे। और जब ये हमने वर्कशॉप करी थी उसके बाद हमने सिर्फ 5-7 दिन का ही गैप लिया था और एकदम हम शूटिंग पर चले गए, तो हमको शायद उतनी मेहनत फिर शूटिंग पर नहीं करनी पड़ी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ काम कर चुके थे। और किसी को आपको समझा तो सकते नहीं हो, हर एक्टर का अपने टैलेंट होता है, बस एज ए डायरेक्टर आप उसको थोड़ा सा बस बोल सकते हो कि यार ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो। तो अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है और ये एक्टर्स मैच्योर लग रहे हैं तो आई थिंक दे आर, वो उसके हकदार वही लोग हैं। बस मैंने तो थोड़ा सा बस गाइड कर दिया। और शायद सबसे अच्छी बात ये थी कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट एब्सोल्युटली क्लियर थी, वो हमारे दिमाग में भी क्लियर थी और सारे आर्टिस्ट को भी क्लियर थी और सारे टेक्नीशियंस को भी क्लियर थी। हमारी बाउंड स्क्रिप्ट थी, हम जितनी लेकर गए थे लगभग 90% एज इट इज शूट करके लाए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास। और मैं हर आर्टिस्ट को, हर डिपार्टमेंट हेड को, टेक्नीशियंस को इंडिविजुअल नरेशन देता था 2.5 घंटे। वो मैं इसलिए देता था, चाहे वो टेक्नीशियन हो उसे अपना स्कोप ऑफ वर्क पता चल जाए, आर्टिस्ट है उसे अपना करेक्टर पता चल जाए, अगर उसके बाद भी कोई बात है तो दे कैन ऑलवेज कम टू मी। और नरेशन देने के बाद मोस्टली बोर्ड पर ही आ जाते थे लोग और मैं उसके बाद उन्हें स्क्रिप्ट दे दिया करता था। तो इन सब लोगों ने शायद, मुझे ऐसा लगता है, अपने खुद भी काफ़ी मेहनत करी है, चाहे वो टेक्नीशियन साइड के हों चाहे आर्टिस्ट हो, उन लोगों ने मेहनत करी। और अगर ये तारीफ है तो इसका क्रेडिट मुझे नहीं, उन्हीं लोगों को जाता है। बस मैंने तो एज ए डायरेक्टर जो मुझे सही लगता था बस थोड़ा सा बस गाइड कर दिया। जैसे कि फस्ते फसाने की म्यूजिक ऑलरेडी रिलीज हो गई है सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसकी वीडियो म्यूजिक आपका कभी लॉन्च होने वाला है? देखिए, हमारा एक स्ट्रेटजी ये था, जो वीनस वालों का इनफैक्ट स्ट्रेटजी था, कि हमारी फिल्म का जिस दिन 28 मई को हमारा पोस्टर लॉन्च हुआ था, एक्चुअली क्या है, हम कैंपेन छोटी रखना चाहते थे बिकॉज इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट वी आर मेकिंग ए स्मॉल फिल्म। ठीक है, और हम ये चाहते थे हमेशा कि हमारी फिल्म का कम्युनिकेशन जो भी वो स्पेसिफिक हो, पहले ट्रेड के परस्पेक्टिव से हो कि कम से कम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स सारी टेरिटरीज में अपॉइंटेड हो। लकीली हमारी कैंपेन जितनी भी अभी हुई है हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं और हमारी सारी मेजर टेरिटरीज इंडिया की वो लॉक हो चुकी हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमको रिस्पॉन्स आ रहा है, चाहे वो थिएटर वालों से आ रहा है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है, तो वी आर वेरी वेरी सिक्योर सिचुएशन। आपका एग्जैक्ट जो क्वेश्चन हैगा कि म्यूजिक के बारे में, तो ये था कि हमने अपने जब जिस दिन ट्रेलर छोड़ा था हमने उसी दिन अपने गाने भी छोड़ दिए थे, क्योंकि आपने अगर हमारा ट्रेलर देखा होगा तो वो थोड़ा सा म्यूजिकल लगता है। वो म्यूजिकल इसलिए लगता है कि वो पूरा का पूरा ट्रेलर एक हमारे गाने की बैकड्रॉप पर है। तो हमें लगा सपोज अगर किसी को ट्रेलर देखकर वो गाना फील करता है और अगर उसको सुनने का मन करता है तो वो वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जा सकता है। तो ये वीनस वालों की कॉल थी जो मुझे बहुत पसंद भी आई और उन्होंने इसके म्यूजिक को उसी दिन रिलीज कर दिया था। लेकिन अब आउट ऑफ द स्ट्रेटजी एक मीडिया का एक तरीका होता है, तो उसके जो वीडियोज हैं वो एक प्रॉपर रेगुलर इंटरवल पर आएंगे और तीनों जो गाने हैं वो रिलीज से पहले उनके वीडियोज जो हैं वो यूट्यूब के
उनका जो वीनस का प्लेटफॉर्म है म्यूजिक का उसके ऊपर रिलीज हो जाएगा। थैंक यू ओके थैंक यू थैंक यू और भी एक